आपके साथ अनिल पवार। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर से आप लोगों के बीच में लाइव हुए हैं और जिस तरीके से आप हेडिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अचानक 6 बजे जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक यहां पर बुलाई है, ऐसे में एकाएक क्यों जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर बुलाई गई है, कैबिनेट के क्या एजेंडा आज रहने वाले हैं, इसके विषय में आपके साथ जो है वो इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम तमाम जो जानकारी है वो साझा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके से देश भर में चुनावी माहौल है और ऐसे में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जो है वो पूरे प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं जिसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं की है, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं की है उनको मंत्रिमंडल से आज हरी झंडी जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कई दिनों से जो JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ऐसे में जो कैबिनेट सब कमेटी है उन्होंने जो है उनके परिणाम को लेकर हरी झंडी दे दी है, तो उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आज जो है वो JOIT पोस्ट कोड 817 सहित जो अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, आज सब कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रख सकती है और कैबिनेट जो है वो उसके ऊपर आज जो है वो बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1500 रुपये जो महिलाओं को जो देने की जो घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है उसको लेकर भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और अब जो है वो जिस तरीके से 1500 रुपये हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को मिलने हैं तो उसको लेकर जो वो हरी झंडी प्रदेश सरकार की तरफ से मिल गई है और उसकी अधिसूचना जो है वो जारी यहाँ पर हो गई है। राज्य सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं और आपको पता है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, 6 बजे जो ये मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, हालांकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके से प्रदेश भर में धड़ाधड़ जो दौरे कर रहे हैं, आज की अगर बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जो है वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे और ऐसे में जो है वो अलग अलग प्रदेश भर में विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं और जिस तरीके से अगर कहीं ना कहीं बात करें तो लोकसभा चुनाव की आहट अब जो देखने को मिल रही है, कभी भी देश भर के अंदर आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले प्रदेश भर में जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू या प्रदेश सरकार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2014 और 2019 में कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में करारी हार जो यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की आहट है तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के पक्ष में जो है वो मतदाताओं को किया जा सके तो हर वर्ग को सौगातें जो देने का प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास यहां पर किया जा रहा है, हर वर्ग को राहत पहुंचाने का जो कार्य है वो यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से बीते एक साल से जो है वो नियुक्तियों का जो बड़ा इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, तो ऐसे में आज भी एक जो है वो ताज़ा नियुक्तियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक जो केवल सिंह पठानिया है उनको आज मुख्य सचेतक जो लगाया गया है, उनकी तो उसकी जो अधिसूचना है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है, जो केवल सिंह पठानिया है उनको मुख्य सचेतक यहाँ पर लगा दिया गया है। विधानसभा की ओर से कुछ देर पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी की गई है, तो ऐसे में जो है वो सभी सियासी समीकरण जो है उसको साधने का यहाँ पर प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो बार बार जो कांगड़ा जिले के अनदेखी की जो बात यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अब अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांगड़ा जिला से ही जो है वो CPS कैबिनेट रैंक के साथ जो ये एक और नियुक्ति जो है वो यहाँ पर हो गई है, जिसमें अगर बात करें तो केवल सिंह पठानिया को आज मुख्य सचेतक विधानसभा लगाया गया है और उसकी जो अधिसूचना है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपये की जो अधिसूचना है वो भी प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और मंडी संसदीय क्षेत्र को अभी भी इंतजार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शिमला विधानसभा क्षेत्र में भी 5 मंत्री हैं, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में हालांकि कांग्रेस के पास सीटें कम हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो प्रदेश सरकार में अभी जो नियुक्तियों का जो है वो इंतजार मंडी संसदीय क्षेत्र में है, तो ऐसे में वो भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो है वो कोई बड़ा ओहदा प्रदेश सरकार में मंडी संसदीय क्षेत्र को भी जो है वो मिल सकता है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जो घोषणाएं की है उसको लेकर जो वो आज विधानसभा से हरी झंडी मिल सकती है, और जिस तरीके से देश भर में लोकसभा चुनाव की आहट है तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक जो काफी अहम मानी जा रही है।